मुझे पता नहीं आकाश ने आपको बताया है कि नहीं, पर क्या आकाश और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, आकाश और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे गाय रे, इसको क्या हुआ? गाय डालो। कुछ नहीं भाऊ, ऐसे ही हो। ऐसे ही मतलब? अपना भाई हीरो बन रहा था बहुत ज्यादा, दही हांडी वाली मंडली है ना अपनी, उसको ज्वाइन किया ये। ये बिना प्रैक्टिस के चढ़ गया भाऊ ऊपर, हांडी उधरीच रह गई, ये अपना घुटना लेके नीचे। क्या रे, तेरे को अचानक दही हांडी का शौक आ गया? अभी आरा डेढ़ा गिरता सर वीर फूकता तो तेरे माँ बाप का क्या होता? तेरे आई बाबा रो रहे होते मालूम है? सोचा है उनके बारे में? भाऊ इस साल दही हांडी जीतने पे लाख रुपए मिल रहे थे, मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है इसलिए करना पड़ा है। तो येड़े तेरी जिंदगी नहीं बचेगी तो पैसा किधर लेके जाएगा रे? पैसे का मतलब तो तब है ना जब जिंदा रहेगा तू। ये दही अंडी के चक्कर में तेरे जिंदगी की अंडी फोड़ के बैठता तू, अभी क्या करते फिर अपन? येड़े जैसी बातें करते ही नहीं, अपना प्यार का कन्फेशन करना मजाक कैसे हो सकता है? आकाश और मैं सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वो तुम अचानक आकर एकदम से इतनी सारी बातें तुमने बताई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कब क्या कैसे। और आकाश के रिश्ते की बात चल रही घर पे, फिर भी उसने हमें कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। यही तो प्रॉब्लम है उसकी, कहता है कि घर वालों के आशीर्वाद के बिना वो कुछ नहीं करेगा, पर उसने हमारे बारे में किसी को बताया ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा आशीर्वाद उसे? सुनो, हो सकता है अगर तुम काका से बात करो तो वो ये शादी करवा दे तुम्हारी। रियली? तुम थोड़ा सब्र करो, और तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है शादी की बात करने की? ये सब कुछ पता है, पर नहीं, क्यों उन्हें आकाश नहीं पसंद? क्यों? आकाश इतना अच्छा लड़का है, उसे तो कोई बुरी आदत भी नहीं है। मेरे डैड और उसके डैड के बीच में कुछ तो इश्यूज है, वो पेंशन एंड कोर्ट केसेस ऐसा कुछ। ये देवा, इसके मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते और वो क्या चाहते, मैं सिर्फ और सिर्फ आकाश से ही शादी करूँ। आप आकाश को कन्विंस करो मुझसे शादी करने के लिए, विद और विदाउट फैमिली। रिया, जैसा तुम कह रही हो ना वैसा नहीं होता है। देखो, काका को आकाश पे बहुत भरोसा है, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे काका का भरोसा टूटे। रिया तुम थोड़ा शांत रहो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे कम से कम एक दिन का समय दे सकती हो? मैं आकाश और सचिन दोनों से बात करूंगी, सचिन तुम्हारी मदद जरूर करेगा, वो घर वालों से भी बात करेगा, पर तब तक तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, प्लीज। ओके वाइनी, सुनिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आकाश से, और उसके लिए मैं कोई भी लिमिट्स क्रॉस कर सकती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।